हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कभी प्यार है, कभी रिश्ता। हम जानते हैं गहनों की अहमियत, इसीलिए हम देते हैं 100% शुद्धता, सही दाम और अटूट भरोसा। रतन लाल सी बाफना ज्वेलर्स, भारत वर्ष का स्वर्ण। एक दूसरे के साथ से वित्तीय संस्थाएं लगातार आगे बढ़ रही है और ज्यादा ताकत के साथ अपने ग्राहकों की मदद कर पा रही हैं। ऐसे ही बैंकों में से है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। ये तीनों बैंक एक साथ मिलकर अपने ग्राहकों के मदद के लिए आगे बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ ये काम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अब उसमें और जान डालने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने जलगांव में रीजनल कार्यालय की शुरुआत की है। जलगांव के नवीपेट के करीब बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय में शुक्रवार को इसका उद्घाटन विधायक राजू मामा भोले के कर कमलों द्वारा किया गया, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर अरुण मिश्रा ने विधायक जी का स्वागत किया और अपने अधिकारियों का कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया। आज बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय जलगांव का आज हमने विधिवत उद्घाटन किया है और अंतरिम कार्यालय यहाँ पर स्थापित करके आज से वहाँ पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा की प्राथमिकता हमेशा से ग्राहक रही है, ग्राहक हमारा केंद्र बिंदु रहा है। हमारे जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं श्री के चौधरी जी, उनका भी यही मानना है और हमारे जो प्रबंध निदेशक माननीय श्री जयकुमार जी हैं, उनका भी ये मानना है कि हमको ग्राहक को ही केंद्र बिंदु में रख करके अपनी सभी सेवाएं देनी है। हमने एक जो सम्मेलन किया है तीन बड़े बैंकों का, जो सरकार ने निर्णय लिया है, उसके बाद हमने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा ने आप सम्मेलन के बाद में अब आज की तारीख में 18 जोन हमारे हो गए हैं और 75 की बजाय 108 रीजन हो गए हैं। उसके तहत ही हमने जलगांव को एक नया रीजन बनाया है, जिसने कि आज से कार्यक्रम करना अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जांच से जब पद ग्रहण करने के बाद मैं अपना तन मन धन से ग्राहक की सेवा करूंगा और अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आज जो हमारी एक तीनों को सम्मेलन के बाद की जो पावर 3 की एंटिटी आई है, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ग्राहकों तक पहुँचाना और ग्राहकों से जड़ तक जुड़ जाने की जो हमारी एक कोटिबद्धपण है, उसको हम पूरा करेंगे और जो भी हमारा क्षेत्र है उसकी प्रगति के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक की सेवा के लिए अपनी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान देने के लिए बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से सदैव तत्पर रहा है और वही कार्यपाल उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं पूर्ण रूप से तन मन से अपने ग्राहकों की सेवा करके आर्थिक प्रगति में, बैंक के प्रगति में और जलगांव की प्रगति में अपना संपूर्ण सहयोग देना चाहूंगा। अब ये तीनों बैंक मिलकर एक नया मुकाम हासिल करेगी और जनता में अपने प्रति ज्यादा विश्वास बनाएगी, ऐसा तीनों बैंक के मैनेजर्स को उम्मीदें हैं और रीजनल कार्यालय खुलने के बाद कई निर्णय जल्दी लिए जा सकेंगे, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को ही होगा। इस दौरान वहां बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर आजेश गुप्ता, जलगांव विजया बैंक के मैनेजर कुलदीप सिंह, देना बैंक के मैनेजर मधुकर धोपे, बैंक ऑफ बड़ौदा रिंग रोड के मैनेजर विकास कात्यानी समेत तीनों बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही थी। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।